नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज फिर आ गए हैं शुद्ध वातावरण में और ये देखिए तीन बड़े बड़े साइज का मछली लेके सभी मिला के 2.5 kg मछली लेके आए हैं। तो इसको अच्छे से पकाएंगे अभी इसी वातावरण में और उसके बाद खाएंगे। तो चलिए इसको पहले बनाते हैं, तो इसको काटना पड़ेगा। चलिए इसको हम काटते हैं। तो चलिए अपना मछली कट गया है। अब इसमें जो है हल्दी मिर्च और नमक डाल करके मिलाएंगे और उसके बाद फ्राई करेंगे। तो चलिए इधर चूल्हा भी चल गया है और उधर मछली भी तैयार हो रहा है। तो अब क्या करेंगे, इसमें इसको फ्राई करेंगे मछली को। कोई भी चीज़ अगर आप इस चूल्हा पे पकाते हैं और उसमें लकड़ी से पकाते हैं, किसी भी तरह के लकड़ी से पकाते हैं, उसका जो मिठास आता है बहुत ही गजब का खाना आपका बनेगा। तो चलिए तेल गर्म हो गया, इसमें डालेंगे हम मछली। तो ये आ गया मछली। बस हो गया, इस मछली को जो है बहुत ही बढ़िया से अभी फ्राई कर रहे हैं और बहुत ही बढ़िया से पकाएंगे, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो लगभग अब फ्राई होने वाला है, इसको लगभग 8 से 10 मिनट से हम फ्राई कर रहे हैं और ये लकड़ी की आँच पे। तो चलिए ये मछली जो है फ्राई हो गया है, इसको निकाल लेते हैं और दूसरा राउंड इधर रखा हुआ है इसको गिराएंगे। उसके बाद मुंडी अलग रखेंगे, तो इसको भी इसमें डालेंगे। तो चलिए ये बड़ा बड़ा मुंडा जो है मुंडी, इसको डाला जाता है इसमें। चलिए जो फ्राई हो रहा है इसी को देख के मुंह में पानी आ रहा है कि आ रहा है, मन कर रहा है कि दरिया में हाथ दे के निकाल के खाना शुरू कर दे। तो चलिए 2 लहसुन इसमें डालेंगे और खड़ा लहसुन भी डालेंगे। तो इसको हम कूच करके डालेंगे, जब तक फ्राई हो रहा है तब तक हम ये 2 लहसुन छील लेते हैं और इस लहसुन का जो है पूरा पत्ता साफ़ कर देते हैं, क्योंकि इसमें जो पत्ता रहता है वो थोड़ा बहुत खराबी भी करता है, तो पूरा पत्ता साफ कर देना चाहिए। तो कल भी साफ करके उसके बाद कूचे थे, तो आज भी कूचेंगे इसको। तो चलिए देखिए इतना सारा लहसुन लिए हैं, 2 लहसुन है, तो इसको इसमें डाल करके भी कूचेंगे और ये आदि भी डाल रहे हैं, तो ये आदि को भी कूचेंगे। वैसे आदि को आज काटे नहीं, खड़ा आदि डाल दिए हैं और इससे हम इसको खूब कूचेंगे भी। तो चलिए कूचते हैं। तो चलिए आधा मछली देखिए फ्राई हो गया है, ये मुंडा देखने में कितना भयंकर लग रहा है, आप देख लीजिए आधा ये फ्राई हो गया है और देखिए इधर फ्राई हो रहा है। तो चलिए अपना ये पहले रस के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए रेड मिर्च, उसके बाद अपना जो ये मसाला बनवा के लाए थे वो मसाला और धनिया पाउडर डाल दिए हैं और ये सरसों का पाउडर हम घर से बना के लाए हैं। तो मछली में सरसों का पाउडर दिया जाता है, तो ये आ गया सरसों का पाउडर। चलिए थोड़ा सा तेल इसमें ज़्यादा है तो उसको निकाल के हम रख लेते हैं। ये फ़ौरन में देखिए जीरा मिर्च उसके बाद पत्ता डाल दिया गया और सरसों भी डाला गया है, खड़ा सरसों जो होता है वो भी इसमें डाल दिया गया है। सभी थोड़ा सा पक गया है, तो वो कूचे थे आदी और लहसुन वो डाल दिए हैं, उसी में नमक मिला देते हैं। अब ये थोड़ा सा पक गया है तो अब उसको इसमें डाल देंगे। तो चलिए ये मसाला अपना फ्राई हो रहा है, बहुत ही अच्छा से इसको फ्राई करना है। जब ये मसाला अच्छा से फ्राई हो जाएगा तो इसमें टेस्ट काफ़ी भर के आएगा। तो चलिए ये मसाला जो है अच्छा से भुना गया है, इसमें अब पानी डाल देते हैं। ग्रेवी थोड़ा सा रस होना चाहिए, जब मछली में रस नहीं होता है तो खाने में उतना मज़ा नहीं आता है, तो मछली रस वाला ही अच्छा लगता है। तो चलिए मछली तैयार हो गया है, अब चावल तैयार हो रहा है। देखिए पानी गर्म हो गया है, एकदम चूल्हा पे चावल बना रहे हैं। हमारे इधर ये विधि होता है चावल डालने से पहले इसमें थोड़ा सा चूल्हा में भी दिया जाता है, 5 बार चूल्हा में 5 बार उसमें, उसके बाद सभी चावल इसमें डाल दिया जाता है। तो चलिए अपना ये मछली बन के रेडी हो गया है, देखिए कितना गजब का लग रहा है देखने में। तो चलिए अब इसको प्लेट में लगाते हैं। हमारा ये मछली बन के रेडी हो गया है और प्लेट में भी लग गया है, तो इसको खाते हैं। तो चावल मछली और लहसुन ये सभी आ गया है, तो 3 मुंडी था, 3 मछली था, तो 3 मुंडा लिए, तो 1 मुंडा इधर, 1 मुंडा उधर, 1 मुंडा उधर। तो चलिए इसको टेस्ट करते हैं, तो आप भी कीजिए। तो ये आ गया रस, बहुत ही बढ़िया बना है, बहुत बढ़िया बना है मछली, काफ़ी बढ़िया। ये देखिए ऐसे छुड़ाए छूट गया है, इसमें काटा लगता है ना, है कि छोटा छोटा काटा है, बहुत महीन है, नहीं है काटा, नहीं के बराबर है, बहुत कम है।
और मछली के साथ नींबू खाने में बहुत मजा आता है। चलिए नींबू भी साथ में खा रहे हैं। देखिए मुंडी लिए हैं, इसका आप टेस्ट करते हैं पहले। क्या टेस्ट बना है, क्या स्वाद आ रहा है। आह देखिए अब आगे से खाते हैं इसका मुंडी। आह आह क्या इससे ग्रेवी निकला है, गजब के बना है। आह चलिए हम भी मुंडी टेस्ट करते हैं, देखते हैं कैसा टेस्ट है। बहुत टेस्ट है, फिश से तो बढ़िया मुंडी का टेस्ट है। इधर से ट्राई करते हैं। वाह बहुत बढ़िया बना है कि बहुत बढ़िया बना है, आप भी ट्राई कीजिए मुंडी। हाँ मुंडी को ट्राई कीजिए, देखिए कैसा स्वाद है मुंडी में। मुंडी में हमारे तक मुंडी नहीं खाया है, देख रहे हैं तो आज खाइए, आज खाते हैं। ऐसे हम सुने कि मुंडी में बहुत अच्छा टेस्ट होता है, बहुत मजा है मुंडी में। खाइएगा ना तो फिर कहिएगा कि दोबारा हमको मुंडी दीजिए, इस छोड़ दीजिएगा। चलिए खाते हैं, ये देखिए सब बोल रहे हैं कि मुंडी में बहुत अच्छा टेस्ट होता है, तो हम भी क्यों ना कर ले। तो ये मुंडी लिए हैं और इसको खाते हैं। उस मुंडी में काटा नहीं होता है, बड़ा बड़ा काटा होता है, आराम से निकल जाता है, बहुत ही बढ़िया टेस्ट है। इससे यहाँ जो बना है मछली बहुत ही गजब का, सच में बोल रहे हैं। पता नहीं दो दिन से क्या हुआ, इतना गजब का खाना यहाँ पे बन रहा है, समझिए बहुत ही गजब का बन रहा है। जैसा खाना हमको कहीं होटल में नहीं खाने को मिलता है, वहाँ हमको ये खेत में मिल रहा है खाने को, काफ़ी बढ़िया। तो देखिए इसका कनखुर हटाते हैं, तो इसमें से निकलेगा ये गुद्दा। बहुत बढ़िया, हमारे साथ रहिएगा ना तो इसी स्वाद पाइएगा। पहले हमको डर लगता था मछली खाएंगे काटा गर जाएगा, लेकिन अभी हमको नहीं पता चल रहा है कि काटा गरेगा, एकदम आराम से जा रहा है अंदर। तो इसमें देखिए इसका जो काटा है आराम से निकल गया है सभी, और छोटा छोटा जो काटा होता है वो बहुत कम है इसमें, तो आराम से देखिए पूरा हम खा जाएंगे इस खाने का। तो इसमें जो बड़ा काटा होगा वो रुक जाएगा, देखिए एक काटा इसमें है बस वो निकल गया। और वो मछली में बहुत कम है, और मछली आता है उसमें भी जो है ना, कल बनाएंगे, कल बनाएंगे। वो कौन मछली है, मछली का नाम हुआ रूपचंद, रूपचंद रूपचंद। उसको जो है ना ये लंबा नहीं होता है, वो लंबा नहीं होता है, वो चौला टाइप का होता है। ऐसे होता है चौला टाइप का होता है, बस हल्का जो है ना 6 इंची तक लंबा वो होता है, ज्यादा लंबा नहीं होता, ज्यादा लंबा वो नहीं होता है। और उसको बनाकर हम आपको खिलाएंगे। आइएगा हम कल। ठीक है आइए, अभी 4-5-10 दिन खूब चलेगा यहीं पे, रहिए ना कोई दिक्कत नहीं है, टाइम मिलेगा तो यहीं पे चलेगा। हाँ सबसे अच्छा कि यहाँ खाने में बहुत मजा आता है, शांति से बैठ के खा रहे हैं, भर पेट खा लिए और किसी भी तरह का कोई टेंशन ही नहीं होता है यहाँ पे। ये लहसुन जो है मछली में डालकर कभी नहीं खाए हैं, मटन में चिकन में खाए हैं, आज मछली में भी खाते हैं, लेकिन मटन चिकन वाला टेस्ट इसमें नहीं है। ऐसा टेस्ट नहीं है, उसमें प्याज का ग्रेवी रहता है, लहसुन सिझता है मजा से, इसमें पतला ग्रेवी है इसलिए लहसुन जो है ना सिझ नहीं पाया, नहीं सिझ पाया। काफी बढ़िया, देखिए कितना अच्छा से सिझा हुआ है मछली, खुद से बहुत ही अच्छा से बहुत टाइम लगा करके इसको फ्राई किए, तो खाने में टेस्ट नहीं बनेगा। अच्छा ये पीस छुए तो कैसा बुझाया, टाइट बुझाया कि लरम है, टाइट है, टाइट है, लेकिन ऐसे आराम से ऐसे करते निकल जाता है, निकल जाता है सब, ये अथी को छोड़ देता है काटा को, देखिए खल्ले खल छोड़ दिया काटा को, देखिए
ये काटा दोनों अलग हो गया, इसमें से हम इसको घिस लेंगे। चम्मच बन गया क्या? हाँ। बहुत नोकीला काटा होता है इसका ना, एक एक नोक है इसमें, है नोक है, देखिए कितना नोकीला काटा है, दिख रहा होगा आपको। ऐसे बहुत ज़्यादा खा लिए, टेस्ट काफ़ी गजब का आया। हाथ पकड़ कर उठाना पड़ेगा क्या जी? ना खड़ा हो जाएंगे ऐसे, अगर 10 दिन खा लेंगे एकदम 5 kg वजन बढ़ जाएगा आराम से। आराम से ये सब बढ़िया मसाला तेल में है, अपना शुद्ध में है। हाँ अपना से बनाया हुआ है, अपना से बनाया हुआ है, किसी भी अलग चीज़ का हम यूज नहीं कर रहे हैं। जो भी हम देख रहे हैं ये चीज़ इसमें लगता है उसी चीज़ का यूज करके बनाते हैं, तो हमको किसी तरह का डर खाने में नहीं आता है। उल्टा पर लीजिए, ले लीजिए। नहीं हम नहीं लेंगे, आप नहीं आप ले लीजिए थोड़ा सा। देखिए मछली का दांत, क्या दांत है इसमें है, 2, 3, 2, 5 गो है। 5 गो है, ऊपर वाला है, ऊपर वाला दांत है। और किधर है? और ये है ये नीचे वाला, ये नीचे वाला है। हाँ एकदम साफ हो गया, इसमें 4 गो है। 4 गो है, 4 गो है, ऊपर 5 गो, नीचे 4 गो रहता है। तो चलिए लगभग खाना खत्म हो गया है, टेस्ट बहुत ही गजब का लगा और यहाँ पे खाने में बहुत ही मज़ा आया। खेत में जो बैठ के खा रहे हैं बहुत ही मज़ा आता है खाने में। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे रेसिपी के साथ, अच्छे खाने के साथ, ताकि आपके मुंह में पानी आते रहे। बाय बाय।